भारत में कोरोना टीकाकरण अभियान में तेजी आई है। कल देश भर में 30,39,000 से ज्यादा कोविड टीके लगाए गए, जो कि एक दिन में टीकाकरण का नया कीर्तिमान है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार केवल 15 दिनों के अंदर 60 वर्ष से अधिक उम्र के 1 करोड़ से ज्यादा बुजुर्ग टीका लगा चुके हैं। अब तक देश भर में कुल 3,29,47,000 कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। वहीं बीते 24 घंटों के दौरान देश में कोरोना संक्रमण के 24,492 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें से 645 नए मरीज छत्तीसगढ़ में मिले हैं। वर्तमान में राज्य में 4,098 मामले सक्रिय हैं। बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण से प्रदेश में 7 लोगों की मृत्यु हुई है। राज्य स्तरीय डेथ ऑडिट समिति के अनुसार लगातार तीसरे सप्ताह प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। बीते एक सप्ताह के दौरान 27 लोगों की कोविड से मृत्यु हुई है। समिति की समीक्षा रिपोर्ट के अनुसार पिछले हफ्ते दुर्ग जिले में सबसे ज्यादा 7 लोगों की मृत्यु हुई है। वहीं रायपुर जिले में 5 मरीजों की मौत हुई है। समीक्षा में यह पाया गया कि कुल मौतों में से 33% मृत्यु अस्पताल में भर्ती होने के 24 घंटों के अंदर हुई है। समिति के सदस्य डॉक्टर ओपी सुंदरानी ने लोगों से अपील की है कि कोरोना के लक्षण दिखते ही 24 घंटों के अंदर कोविड की जांच कराएं। इस बीच राज्य में कोरोना संक्रमण के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए राज्यपाल अनुसुईया उइके ने लोगों से कोरोना बचाव संबंधी दिशा निर्देशों का पालन करने को कहा। भिलाई में पत्रकारों से चर्चा करते हुए राज्यपाल ने प्रदेशवासियों से कोरोना का टीका लगाने की अपील भी की। से यही कहूंगी कि ये कोरोना से अपने आप को सुरक्षित रखना है तो अपने आप को सोशल डिस्टेंसिंग मास्क आवश्यक लगाए और भीड़ भाड़ में ना जाए। आवश्यक रूप से इन सारी अपने हाथों की सफाई और लोगों को भी जागरूक करें ताकि ये अब तो ये होगा कि इसका तो वैक्सीन तो आई है लेकिन वैक्सीन भी लगाएं। बहुत लोगों को भ्रम की स्थिति है। मैंने स्वयं में वैक्सीन लगाया, मुझे कोई भी रिएक्शन किसी भी तरह का नहीं हुआ। लोग कहते हैं ना कि अब इसके बाद 1 महीने के बाद दूसरी वैक्सीन लगेगी तभी उसमें एंटीबॉडी जो है तैयार होगा और तब कोरोना भी आ जाएगा तो उसको किसी भी तरह का अटैक नहीं होगा, वो कोरोना से कोई खतरा नहीं होगा। वहीं स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने भी कोरोना के बढ़ते हुए मामलों पर चिंता जताई है। उन्होंने लोगों से कोरोना से बचाव के लिए भीड़भाड़ वाले बड़े आयोजनों से बचने की अपील भी की। कोरोना के प्रकरण बढ़ने लगे हैं, हालांकि सितंबर में जो हालात थे वैसे हालात अभी नहीं है, लेकिन जहां 1 के आसपास 100 में टेस्ट होता था वो पॉजिटिव आते थे, अब ये संख्या बढ़ के 2 के आसपास आ जा रही है। बल्कि पिछले हफ्ते हर 100 में 1.6 लोग संक्रमित आए औसतन पूरे हफ्ते में, जो काफी बढ़ता हुआ दिख रहा है। हम टेस्ट ज्यादा करा रहे हैं, बड़े ऐसे आयोजनों से हमको जरूर बचना चाहिए। अब समय फिर से आ गया है कि भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाना, आयोजनों में जाना, धार्मिक आयोजनों में, खेलकूद के आयोजनों में, गमी में, खुशी में, ऐसे आयोजनों से भी हमको बचना है जहां शारीरिक दूरी हम ना रख पा रहे हो। शारीरिक दूरी रखना, हाथ साफ रखना और मास्क पहनना, ये अब फिर से मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि मत, जरा भी मत इसमें ढील दीजिए। इसी तरह मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी अपने संदेश में प्रदेशवासियों से कोरोना संक्रमण से बचाव के उपायों का कड़ाई से पालन करने और पात्रता अनुसार टीकाकरण के कार्य में सहयोग की अपील की है। उन्होंने कहा कि सभी लोग मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, सैनिटाइजर का उपयोग करें और साबुन से बार बार हाथ धोएं।